हेलो डियर स्टूडेंट टीचर्स पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, होप यू बी फाइन एंड डूइंग मिनट्स में सर शेयर पावर एंड फेस माय प्रोफेशन एंड लाइफ राइट। और टुडेस टॉपिक इज वेरी वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आस्किंग मी अबाउट दिस टॉपिक, मूविंग कंडक्टर वर्सेस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। दोनों, उनका क्वेश्चन ये है कि दोनों केसेस में, चाहे कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो, दोनों केसेस में ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड होती है, लेकिन दोनों का कंसेप्ट डिफरेंट है। इसका जो कंसेप्ट है कंप्लीटली इससे डिफरेंट है, ठीक है। और वो कैसे, वो अब हम एक्सप्लेन करेंगे, एग्जांपल्स भी देंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे कि ये दोनों का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीटली एक दूसरे से डिफरेंट है। इसमें एक फिनोमेना वाक्य होती है, इसमें दूसरा फिनोमेना वाक्य होती है। ओके जी, तो चलो देखते हैं कि मूविंग कंडक्टर और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरह ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड करते हैं। नंबर वन, मूविंग कंडक्टर की हम बात करेंगे। मूविंग कंडक्टर, मूविंग कंडक्टर की सपोज हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इनटू द बोर्ड है, राइट। मैं इस तरह बना देता हूं, हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है जो इनटू द बोर्ड है, राइट। इस तरह ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल परपेंडिकुलरली मूविंग इनटू द बोर्ड। तो ये एक कंडक्टर है जो इस मैग्नेटिक फील्ड में, और ये जरा ये देखिए कि ये जो क्रॉसेस हमने लगे, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है। और ये इक्वल डिस्टेंस पे हमने एक क्रॉस लगे, इसका मतलब है कि ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, नॉट चेंजिंग विद टाइम, राइट। तो इसको हम एक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड का नाम भी दे सकते हैं। ये स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हमने कंडक्टर को मूव करना है, ठीक है। और आपको पता है कंडक्टर को हमने मूव करना है तो इस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी, और वो फोर्स क्या होगी, देखें ये फोर्स है हमारे पास, इस पर हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, एफ अप्लाइड फोर्स। इसी फोर्स की वजह से ये कंडक्टर जो है ये एक्सेलरेट हो जाएगी, मतलब ये एक खास वेलोसिटी के साथ चलना शुरू करेगा। तो इसमें जितनी भी चार्जेस हैं, सपोज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ यहाँ इधर, ये सारे चार्जेस जो है एक ही वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं जितनी भी चार्जेस, क्योंकि ये एक ही बॉडी है तो इनकी जो वेलोसिटी वो भी सेम होगी। तो क्लियर बात है कि मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स, कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप एक चार्ज को मोशन दे तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स होती है, और वो मैग्नेटिक फोर्स आपको पता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मोशन ऑफ द चार्ज है, ये मैग्नेटिक फोर्स है। अब देखिए इस राइट को इसके साथ मैच करें, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इन टू द बोर्ड, मोशन ऑफ द चार्ज टू द राइट, सो मैग्नेटिक फोर्स विल बी अपवर्ड। तो इन चार्जेस पे, ये जो इधर चार्जेस हैं, ये इस चार्ज पे अपवर्ड एक मैग्नेटिक फोर्स होगा, इस पे भी होगा और इस पे भी होगा, मतलब जितनी भी चार्जेस है इस पे अपवर्ड फोर्स अप्लाई, तो ये सारे चार्जेस जो है ऊपर की तरफ चले जाएंगे। क्लियर हुई बात? ये टाइम टू टाइम जितना आप मूव कर रहे उतना मैग्नेटिक फोर्स होगा, और जितने हाई स्पीड के साथ, मतलब अगर आप फोर्स को इंक्रीज कर दें, मतलब कंडक्टर की मोशन को स्पीड अप कर दें, तो इतना ही मैग्नेटिक फोर्स इस चार्जेस पे ज्यादा होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है चार्जेस पे, हम इस तरह लिखते हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्जेस इज इक्वल टू क्यू वी बी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो ये सारे चार्जेस जो है ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। ये सपोज ये सारे चार्जेस जो है इधर इकट्ठे होंगे, ये इधर, ठीक है। तो जहां से ये चार्जेस चले गए वहां पे नेगेटिव चार्ज रह गया, तो ये नेगेटिव चार्ज ये नीचे की तरफ आ जाएंगे,
क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज हुई और ये मैग्नेटिक फील्ड हो तो उस पर फोर्स अपवर्ड, मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड होती है, ठीक है। अगर चार्ज नेगेटिव हो तो ये फोर्स डाउनवर्ड होती है। तो जितनी भी इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज सारे के सारे ऊपर चले जाएंगे और ये नीचे आ जाएंगे। तो मतलब ये दो जो एंड्स हैं, एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ये क्यों है हमारे पास, ये है पी। इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। पोटेंशियल ये हाई पोटेंशियल पे होगा, मतलब वी पॉजिटिव, यहाँ पे ये हाई पोटेंशियल पे होगा वी पॉजिटिव, और ये जो है वी नेगेटिव हो। और याद रखिए कि ये पॉजिटिव नेगेटिव ये इक्वल होंगे लेकिन साइन में अपोजिट होंगे, क्लियर। अब अगर फॉर एग्जांपल आप इसको मजीद एक्सेलरेट कर दें तो यहां पे जो चार्ज होगी, ये चार्ज, इस पे अब दो फोर्सेस होंगे, सिर्फ एक मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा। इस पे एक तो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स जो ऊपर की तरफ, ये वाला मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स है। लेकिन साथ ही एक और भी फोर्स है जो इलेक्ट्रिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों है, यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुई। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होती है देखें तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो वहां पे अगर आप किसी चार्ज को छोड़ दें तो उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम फोर्स होगी। तो मतलब है अपवर्ड मैग्नेटिक फोर्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे एक और फोर्स होगा जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स है, क्लियर हुई बात। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे, ये फोर्स, ये वाला जो फोर्स है, ये वाला, ये वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और ये वाला जो फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, ठीक है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांगर होगा उतना ये फोर्स स्ट्रांग, जितना आप इस कंडक्टर को ज्यादा तेजी से भगा देंगे तो ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन एक टाइम आ जाएगा कि ये दोनों फोर्सेज इक्वल हो जाएंगे, क्लियर हुई बात। तो मतलब यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुई और इस पोटेंशियल डिफरेंस को ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम देते हैं, ठीक है। तो और जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स वो है हमारे पास क्यों ई, क्लियर हुई बात। दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो क्यों ई इज इक्वल टू क्यों वी बी, क्यों क्यों के साथ कैंसल, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पे पैदा होती है इज इक्वल टू वी बी। मतलब है यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ये रियल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है क्योंकि ये चार्जेस की वजह से पैदा होती है, क्लियर हुई। यहां पे जो वोल्टेज या पोटेंशियल या ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। मतलब है कि ईएमएफ जो है, ईएमएफ हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये हमारे पास इक्वल है किस चीज के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एन टू एल, एल यहां पे लेंथ है, किस चीज की लेंथ, क्लियर हुई बात। अब यहां पे ये पुट कर दिए दोनों, अगर पैरेलल है ये एल है, एल वेक्टर डाउनवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाउनवर्ड है, तो यहां पे हम इस तरह लिख सकते हैं कि ई एल, ये वाला वैल्यू यहां पे पुट कर दें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है हमारे पास ये किस चीज के बराबर होगी, वी वेलोसिटी बी एल। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ये हमारे पास वी बी एल के बराबर है, ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई।
और याद रखिएगा ये ईएमएफ जो है किस बात पर डिपेंड कर रही है, आप देखें ये वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही थी, जितनी हाई वेलोसिटी के साथ आप इसको मूव कर रहे हैं इस कंडक्टर को, इतनी ज्यादा ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड हो जाएगी। क्लियर है? इस तरह लेंथ पे भी डिपेंड कर, अगर इस वायर को आप लेंथी वायर यूज करें तो उनके दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगी, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा हो। तीसरी जो बात है वो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर होगा? तो याद रखिए कि यहां पे कोई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं होती, ये जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं ये प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ आ रही? दूसरी बात, यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाती है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, और मैग्नेटिक फोर्स क्यों है, ये वेलोसिटी की वजह से। क्लियर हुई बात? तो ये तो बात थी मूविंग कंडक्टर की। अब हम बात करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले रहे, अब हम बात करेंगे कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है वो उसका जो काजेज है वो काजेज क्या है उसमें। उसमें तो कंडक्टर मोशन नहीं करता, जब मोशन नहीं करता तो ईएमएफ कैसे इंड्यूस्ड हो जाती है। ओके जी, अंदर स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा जी, तो दूसरी हमारी जो है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके जी, अब इस केस में हम कंडक्टर को मोशन नहीं दे रहे बल्कि फ्लक्स को चेंज करेंगे। क्लियर है बात? अच्छा, तो याद रखिएगा कि जब भी जहां भी फ्लक्स चेंज हो रही हो, चाहे उधर कंडक्टर हो ना हो, वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं। क्लियर? तो अगर स्पेस में फ्री भी हो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, इधर कोई कंडक्टर है नहीं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कल्स की शक्ल में पैदा होगी। क्लियर हुई बात? तो सपोज हमारे पास वही कंडक्टर है जो पहले हमने यूज किया, ये है एक कंडक्टर इधर पड़ा हुआ है, हम एक मैग्नेट को इस तरह लेके आ रहे हैं इसके करीब नॉर्थ के साथ। तो याद रखिए कि टाइम टू टाइम जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स लेंथ विद दिस एरिया, इस एरिया के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो तब्दील होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर है बात? तो ये तो हमने बात की कि ये कंडक्टर हो ना हो, लेकिन यहाँ पे एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये यहां भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी। क्लियर है बात? तो मतलब है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्यों पैदा होती है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये पैदा होती है डेल्टा पाई बी डिवाइड बाय डेल्टा टी, इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से पैदा होती है। ठीक है, तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड है, अपवर्ड है। क्लियर? चल, तो इसमें जितनी भी अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा हुई इस कंडक्टर में, अब वो कंडक्टर में जो चार्जेस है वो क्या करेंगे, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को तबाह कैसे करेगा, कि जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होती है, मतलब कुछ ना कुछ तो होता है। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर करने के लिए अब चार्जेस क्या करेंगे, यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये चार्जेस फौरन ऊपर की तरफ चलने लगते हैं, दौड़ लगाते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर करने। ये इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि हम आ रहे हैं तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग से स्ट्रांग तर होता जा रहा है, क्योंकि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ज्यादा है, यहां पे और भी ज्यादा है। मतलब जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा हो उतना ही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्लियर है बात? तो जो जो ये करीब जाता है इधर इस कंडक्टर के, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना था इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चंद चार्जेस इधर आ गए, इकट्ठे हो गए। ठीक है, अब चूंकि ये करीब आ रहा है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मजीद चार्जेस भी आ गए। ठीक है, ये
इसी लोकेशन के लिए, लोकेशन वन के, लोकेशन टू के लिए मजीद दो चार्जेस आ गई। अगर ये और करीब आ गया इधर ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मजीद चार्जेस जमा हो जाएंगे, ठीक है, और इसके जवाब में यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस जमा हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस जो है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मोशन करते हैं, और पॉजिटिव चार्जेस अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके जी, अच्छा जी, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस तो क्रिएट हुई, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम देते हैं। लेकिन एक पॉइंट और भी नोट कीजिएगा, और वो पॉइंट क्या है कि जो ही चार्जेस ऊपर चलने लगी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने लगा। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो इंड्यूस्ड है जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, एक है चार्जेस की वजह, एक्चुअल चार्जेस की वजह से जो फील्ड है वो भी पैदा होने लगी। और जो ही चार्जेस ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव इंक्रीज होते रहे तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग से स्ट्रांग तर होता जा रहा है। तो एक टाइम इस तरह आ जाएगा कि ये वाला जो फील्ड है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसके बिल्कुल अगेंस्ट हो जाएगा। यहां पे अगर कोई चार्ज है, सपोज इसी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे अगर कोई फोर्स है वो भी इलेक्ट्रिक होगा, याद रखिएगा, तो उस पे एक और भी चार्ज, एक और भी फोर्स है जो इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों फोर्सेस इस पे, यानी अपवर्ड जो फोर्स है वो इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और डाउनवर्ड जो मोशन जो फोर्स है वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो ये बैलेंस हो जाएंगे, तो मजीद कोई चार्ज जो है अप डाउन मोशन नहीं करेगा, स्टॉप हो जाएगी। तो यहां पे जो पोटेंशियल पैदा हुई पॉजिटिव पोटेंशियल, यहां पे जो पोटेंशियल नेगेटिव पैदा हुई, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है डेल्टा वी, या ये इसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम देते हैं। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ याद रखिएगा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हम उस तरह कैलकुलेट नहीं कर सकते जिस तरह हमने प्रीवियस किया। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय फेराडेला डेल्टा पाई बी डिवाइड बाय डेल्टा टी, इसका प्रोपोर्शनल होगा, मींस व्हिच इज इक्वल टू एन डेल्टा पाई बी डिवाइड बाय डेल्टा टी, इसके साथ साइन भी नेगेटिव लेते हैं बाय लेंज ला। तो इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ किस वजह से काज, किस वजह से पैदा होती है, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर, इसके बाद फिर चार्जेस मोशन करते, इसके बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है। लेकिन उसी वाले केस में जिसमें कंडक्टर मोशन में हो और मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही हो, तो उस केस में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, तो दोनों का कंसेप्ट कंप्लीटली डिफरेंट है। तो इसके साथ और एक और भी पॉइंट नोट कीजिएगा कि ये पॉइंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होंगे, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो हमने इसके लिए स्ट्रेट लाइन बनाई, तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, ये सर्कल्स की शक्ल में होता है, इस तरह, ये इस तरह सर्कल की शक्ल में, ये भी सर्कल की शक्ल, ठीक है, ये भी इस तरह सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं ये, हमने आसानी के लिए आपको समझाने के लिए इस तरह किया, ठीक है। तो दोनों केसेस में इस तरह ही होगा। तीसरी बात है कि इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके लिए आप पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, ये डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कंजर्व है, और वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कंजर्वेटिव फील्ड्स के लिए डिफाइन किया जाता है। ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये कंजर्व नहीं है, इसका एंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो इसके लिए हम किसी पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन नहीं कर सकते, क्लियर हुआ। तो ये था कंसेप्ट, और
मैं उम्मीद करता हूँ आपकी कंसेप्ट क्लियर होगी इंशाल्लाह। तो हमारी वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा, हमें अप्रिशिएट करें ताकि हम टाइम टू टाइम आपके लिए अच्छे अच्छे कंसेप्ट लेकर आएं। और अक्सर स्टूडेंट इस तरह होते हैं कि वो शॉर्टकट के पीछे लगे होते हैं, तो प्लीज़ इन शॉर्टकट्स के पीछे मत लगना, आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो ये शॉर्टकट वगैरह ये सब कुछ क्लियर हो जाएगी। ओके जी, सो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।